हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद का और आपके प्यार का मुझे बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और कल एक मेरे पास कॉल आई थी गया जिले से, बिहार से। उन्होंने कहा कि सर, आप जैसा ट्रेनर कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, एक से एक लोग पड़े हुए हैं। बस मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरी वीडियोस से और मेरे पास जो भी सीखने आए, उसको कभी निराश होकर ना जाना पड़े। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ और कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सकें, आप उसका आनंद ले सकें। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? ऋषि शुक्ला। ऋषि शुक्ला जी, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सिक्स डेज हो चुके। आप कहाँ से आते हैं? हरदोई से। तो फर्स्ट डे से और आज सिक्स डेज में क्या मतलब कॉन्फिडेंस है आपका? सर, आज ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आज ज़्यादा। अभी हम लोग चल रहे हैं IM रोड, जो अपना सीतापुर रोड से हरदोई रोड बाईपास निकला हुआ है। IM रोड पे चल रहे हैं, डिवाइडर रोड है, गाड़ी चल रही है फोर्थ गियर में, 40+ चल रही है। तो दोस्तों, हम ऋषि जी से जानेंगे कि इन्होंने इससे पहले कहीं ट्रेनिंग ली या नहीं ली, या डायरेक्टली मेरे पास आए। ऋषि जी, इससे पहले आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली? सर, हल्का फुल्का चलाना सीखा था इसी तरह से रोड पे। ओके। ज़्यादा सर मतलब जो फिनिशिंग वगैरह या ट्रैफिक वगैरह, तो वो सर आपसे ही सीख रहे हैं सर। मेरे से सीख रहे हैं। ओके। वैसे ये गवर्नमेंट टीचर हैं और बहुत एक्साइटेड बंदा है, ठीक है। और काफ़ी सीखने की चाहत होती है ना जैसे लोगों के अंदर, कि नहीं कुछ और बताओ सर, कुछ और बताओ। बाकी स्टूडेंट होते हैं, उनको बोलते रहो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनके अंदर एक खास बात है, ये छोटी से छोटी बारीकियां पूछते रहते हैं। सर, इससे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। तो दोस्तों, मैं डेली इनको एक घंटे का समय देता हूँ। एक घंटे का मतलब 2 क्लासेस, 10 किलोमीटर हाफ एन आवर 1 क्लास, 20 किलोमीटर 1 आवर 2 क्लासेस। क्योंकि ये काफ़ी दूर से आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनकी क्लास ओवर हो जाए, ताकि इनको ज़्यादा दिन आना जाना ना पड़े। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि बड़े रोडों पे, हाईवे वाले रोडों पे कार को कैसे चलाना चाहिए। जैसे कि ये IM रोड है, डिवाइडर रोड है हरदोई रोड, तो इस पे चलाने के लिए दोस्तों हमको किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इधर ट्रांसपोर्ट काफ़ी सारे हैं, ट्रक्स वगैरह काफ़ी खड़े रहते हैं, डम्फर वम्फर, और काफ़ी बिजी रोड भी है। अभी तो चलो मॉर्निंग का टाइम है, खाली रोड है। अभी ऋषि जी, कौन से गियर में हैं आप? सर, फोर्थ गियर में। फोर्थ गियर की स्पीड कितनी हो, फोर्थ गियर डालने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए? सर, कम से कम 40। 40 और ज़्यादा से ज़्यादा? सर, 60। 40 से 60 चल सकते हैं जी। वेरी गुड। अभी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? सर, 40+ है, तो आप 60 तक इसमें चल सकते हैं। सपोज करिए आपके सामने कोई अचानक आ गया, आपने कार अचानक, आपको कार रोकनी पड़ गई फोर्थ गियर में ही जी। तो उसके बाद, रोकने के बाद आप कौन सी गियर में गाड़ी को वापस बढ़ाएंगे? सर, कौन से गियर में? स्पीड कम करो, स्पीड ब्रेकर है, और कम करो। अब यहाँ पे आपको ये फर्स्ट गियर करके निकालना चाहिए था जी, क्योंकि ये सेकंड गियर में गाड़ी, क्योंकि एक साइड में कई ब्रेकर थे, 3-4 ब्रेकर थे। अब बढ़ा लो। जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा कि अगर आप फोर्थ गियर में 40 से 60 की स्पीड में जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई आ जाता है, तो आप गाड़ी रोकने के लिए क्या करेंगे? गियर चेंज करेंगे या क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी स्टॉप कर देंगे वहीं? सर, सबसे पहले तो मतलब क्लच दबा के सर ब्रेक ही लेंगे सर। ब्रेक लेंगे, क्लच लेके ब्रेक ले लेंगे, गाड़ी स्टॉप कर देंगे उसके बाद। क्योंकि सही तरीका यही है कि अगर अचानक सडनली से कोई आपके सामने आ जाता है, तो आपको क्लच लेके ब्रेक ले लेना है, गाड़ी वहीं के वहीं स्टॉप कर देना है। उसके बाद जब गाड़ी रुक जाए, फिर वापस कौन से गियर में गाड़ी आप बढ़ाएंगे? थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में? सर, फर्स्ट में ही बढ़ेगी। फर्स्ट में बढ़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अभी स्पीड बढ़ाइए आप और बढ़ाइए, वेरी गुड, जाने दीजिए, बहुत बढ़िया, नाइस। अब कौन सा गियर डालेंगे? फोर्थ गियर, वेरी गुड, जबरदस्त। इतना अच्छा आप चला रहे हैं फिर भी डरते हैं, इतना अच्छा ड्राइव करते हैं आप। देखो इस बेवकूफ को देखा आपने? जी सर। देखा इस गधे को कैसे इसने गाड़ी? वही तो सर। टैक्सी ड्राइवर है, बोलो कमर्शियल लाइसेंस होता है इन लोगों के लिए, लेकिन अकल दो पैसे की नहीं है। अभी अगर थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा होती तो क्या होता? जी सर, भिड़ जाती। उसने एकदम आगे जाके काटा है, तो कभी भी एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं होता है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, हाईवे पे या कहीं भी आप चलो तो ये सोच लो कि सिर्फ आप ही समझदार हो अगर ड्राइवर सीट पे आप बैठे हो, बाकी लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर यही बात आपकी सर हमें सबसे अच्छी लगती है सर, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट कहाँ होता है? जब हम ये सोच लेते कि नहीं सामने वाला ब्रेक ले लेगा, या वो रोक लेगा, या वो कंट्रोल कर लेगा, या वो देख रहा है, बस यहीं पे आप धोखा खा जाते हैं। कभी भी आप दूसरे पे डिपेंड ना हो, अपने आप लापरवाही कभी, हमेशा मैंने देखा यार, मैं तो 13 साल की एज से कार चला रहा हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया और मैंने देख के ही सीखा, कभी किसी से मैंने सीखा नहीं, सिर्फ गाड़ी देख देख के चलाना आ गया मुझे। तो मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है कि हमेशा एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से, जब हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते वहीं पर धोखा खा जाते हैं। आप हमेशा सामने कोई भी गाड़ी आ रही है साथ में, आप हमेशा ये सोचो इससे अलर्ट ही कभी भी भिड़ा सकता है। जब आपका माइंड सेटअप ऐसा होगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा ये जो राइट में आप देख रहे हैं डिवाइडर से एक से डेढ़ फिट की गैपिंग में एक वाइट लाइन बनी है। ये वाइट लाइन किस लिए होती है? ये वाइट लाइन इसलिए होती है कि अगर इन केस अगर इधर लेफ्ट से कोई गाड़ी वाला आया और उसने आपको दबाने की कोशिश करी, अगर आपको दबाने की कोशिश करी तो आपके पास राइट साइड में इतनी जगह है कि आप अपनी गाड़ी को बचा सके। इसका मेन मकसद ये होता है, मेन मकसद ये होता है वाइट लाइन का। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती, कोहरा पड़ता है, तब ये वाइट लाइन चमकती है, इससे हमको अंदाज़ा लग जाता है कि ये डिवाइडर है। मेन इन लाइनों का बनाने का मेन मकसद यही होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा हो रात में, तो ये लाइनें जो है वाइट वाली ये चमकती हैं। ये देखा होगा आपने, बीच में डिवाइडर रोड नहीं होता तो बीच में येलो लाइन होती है एज ए डिवाइडर, वो इसीलिए होता है ताकि आपको इससे अंदाज़ा लग जाए। अब यहाँ पे जैसे ये 6 लाइन का रोड है, 3 इस साइड है 3 उस साइड है, तो इसमें क्या है, जैसे कभी भी ऐसे हाईवे पे हम चलते तो हमें एक लाइन में चलना चाहिए, ना कि लहराना चाहिए। एक लाइन कोई भी पकड़ लो आप और उसमें चलते रहो, चाहे 60 चलो चाहे 80 चलो, जहाँ आपने गाड़ी लहराई बस वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। अगर इनकेस आपको लाइन चेंज करनी पड़ती है, अगर इनकेस आपको लाइन चेंज करनी पड़ती तो पहले आप सिग्नल का प्रयोग करें, ठीक है, पहले सिग्नल का इस्तेमाल करें, उसके बाद लेफ्ट या राइट साइड जिस साइड भी आपको जाना है उस साइड के मिरर में देखने के बाद आप फिर गाड़ी को अपने मूव करें। क्योंकि हाईवे पे क्या होता है, 1 सेकंड का खेल होता है, जरा सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप फोर्थ गियर में हैं और आपकी स्पीड आ गई 30, तो इंजन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब ये होता है कि इंजन बोल रहा है इंजन की भाषा में कि या तो आप गियर डाउन करो या तो आप एक्सीलेटर देके स्पीड मेंटेन करो, ठीक है। और आप बहुत अच्छी कार चलाते हैं ऋषि जी, मैं आपको बताऊं इस बैच के आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी चलाते हैं, बट मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि आप हरदोई से आते हो, चलो आप तो ज़्यादा दूर नहीं, लोग तो मेरे पास नोएडा से, झांसी से, श्रीनगर से, कश्मीर से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और मैंने उनकी वीडियोज़ भी बना के अपलोड कर रखी हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जो इतना दूर से आते हैं अपना टाइम समय दे रहे हैं मुझे, तो मैं भी अपने वादे पे खरा उतरूं, ठीक है ना। बस लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है, आपको करना है, आपको समझना है, मेरा सिर्फ एक काम है आपको बताने का तरीका, समझाने का, जो चीज़ें अभी डाउट में हैं उनको क्लियर कराना, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है, ना तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ना कोई जादू की पुड़िया है, करना आपको है, समझना आपको है, ठीक है दोस्त, आपको करना है, मैं कराऊंगा। हाँ इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि एज ए 5 से 7 डेज अगर आपने मुझे टीचर माना और स्टूडेंट की तरीके से चीज़ें करनी चाहिए और करते रहे, तो मैं एक वादा आपसे कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा ड्राइवर बना दूंगा कि आप
कहीं भी जाएंगे कभी धोखा नहीं खाएंगे, चाहे वो हिली एरिया हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो बम्फर टू बम्फर चलाना हो, चाहे एकदम भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। ठीक है, आप इतने अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी कार चला रहे हैं, अभी स्पीड बढ़ाइए, 60 प्लस जाइए और फिफ्थ गियर डालिए, थोड़ा सा रेस करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक साइड पकड़ के चलना है, अगर आप राइट साइड चल रहे हो तो आपकी स्पीड इन रोडों पे 60 के अबव होनी चाहिए, और बढ़ाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाने दो, गुड, 60 प्लस, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्लच दबा के फिफ्थ गियर डालो, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, न्यूट्रल, ओह वेरी गुड, कत्ती जहर, कमाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ऋषि जी ने 5 से 6 मंथ तक मेरी वीडियोस देखी, उसके बाद ये मेरे पास आए ड्राइविंग सीखने, और आप देख सकते हैं कि 5 से 6 डेज में बंदे ने कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया है, मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं है, अपने आप अकेले चला रहा है। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उछल के पीछे बैठ जाऊँ जाके, इतना ज़बरदस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बट ये डर रहा है थोड़ा सा, है ना, माइंड में थोड़ा डर है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी माउंटेन ड्यू पिलाएंगे आपको, जिससे डर के आगे जीत है, चलते रहो। दोस्तों, आप लोग भी चला सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, हाईवे पे चलाना और भी आसान होता है, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाईवे पे भी हमको स्टीयरिंग कंट्रोल करना आना चाहिए, कि हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग कितनी कंट्रोल होगी, कितनी स्पीड में हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त ऋषि जी कार ड्राइव कर रहे हैं, और मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ चीटिंग नहीं करता हूँ, इसीलिए स्टूडेंट बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख जाते हैं। मैं फुल कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को देता हूँ, सारी चीज़ ऑपरेट करने के लिए स्टूडेंट को देता हूँ, ताकि वो क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, सारी चीज़ें वो खुद ऑपरेट करेगा, तो 5 से 7 डेज के अंदर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब वो अपनी गाड़ी निकालेगा तो फुल कंट्रोल यहाँ भी कर रहा था, वहाँ भी कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग आ गए हैं दुबग्गा, है ना, चलते रहो, सीधा सीधा जाना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे चौराहों पे लॉन्ग हॉर्न मारा जाता, हॉर्न ऐसे देखो, ऐसे लंबा हॉर्न, ताकि लोग चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि यहाँ लोग एल ओल का मतलब नहीं समझते हैं, समझ रहे ऋषि जी, बाकी आप बहुत अच्छा चला रहे हैं। दोस्तों, कार चल रही है, गियर चेंज कर दिया ना आपने, फोर्थ कर दिया, वेरी गुड, ट्रैक्टर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ऋषि जी कार चला रहे हैं, और इन्होंने अपनी साइड पकड़ रखी है, एक साइडमैन की गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कर सकते हैं, कार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस माइंड का पूरा गेम है। 95% जितने भी आपको ड्राइवर मिलेंगे सब अनपढ़ मिलेंगे, 5% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कार ऑपरेट कर रहे हैं, JCB ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो सिर्फ माइंड का गेम होता है। अगर आपने सोच लिया है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपने सोचा नहीं कर सकते हो तो फिर नहीं, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। मैंने 90 ईयर के लोगों को ड्राइविंग सिखाई है, वो भी चला रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो। अब आगे ये चौराहा आ रहा है, बी अलर्ट का मतलब ये होता है कि ना रेड है ना ग्रीन है, आप चारों तरफ देख के और हॉर्न बजाते हुए अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के 60 प्लस, बहुत बढ़िया, नाइस, ओह वेरी गुड। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी आपने, एक्सेलेटर से आपने पैर ब्रेक पे नहीं रखा था, हटा लिया था, लेकिन उसमें नहीं आना चाहिए जी, जी। सारा खेल तो इसी का है मेरे भाई, नजर हटी की दुर्घटना घटी, ऐसी गलती हमको नहीं करनी है जी, जी, सर।
जब भी हम क्लच दबाएं गियर चेंज करने के लिए, अगर पूरा क्लच लेते हैं तो राइट वाला जो हमारा लैग है वो ब्रेक पे आना कंपलसरी है। अगर वो ब्रेक पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके माइंड में ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी आगे से हम लोगों को यू टर्न मारना है, मैं बताऊंगा, यहाँ से नहीं नेक्स्ट वाले से, जाने दो। वेरी गुड, हॉर्न मारो लॉन्ग। अब जैसे ये चौराहे हैं, जाने दो बिंदास, यहाँ ट्रक्स वगैरह ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, कई बार अचानक ट्रक्स निकल आते हैं। हम लोग आ गए हरदोई रोड, बढ़ाइए स्पीड, चलें आपके घर हरदोई। जी, मुस्कुराइए सर, फैमिली को हाय बोल दीजिएगा। जरूर जरूर, सारे लोग आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। वेरी गुड दोस्तों, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और इतना सारा मुझे प्यार देते हैं, उन सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को मेरा प्रणाम है। और मैं आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। इसी तरीके से आगे भी प्यार मुझे देते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए और मैं लोगों को वीडियोस बना के आगे बढ़ाता रहूँगा। दोस्तों हम लोग आ गए हरदोई रोड पे, ये दुबग्गा वाला रोड है आपका। अब यहाँ से हम यू टर्न कराएंगे, तो यू टर्न के लिए दोस्तों क्या करना होता है मैं बताता हूँ। राइट का सिग्नल दीजिए, वेरी गुड, 100 मीटर पहले, अभी चौराहा आपका 100 मीटर आगे है, ठीक है, और गाड़ी अपनी सेकंड गियर में डालिए, वेरी गुड। अभी आपको राइट ही दबा के रखना, पहले राइट साइड वाले मिनर में देखिए, गुड। टर्निंग पे आप हाफ क्लच में कार को मूव कर सकते हैं, अभी आप हाफ क्लच दबाइए ऋषि जी। हाँ, आप यू टर्न कर सकते हैं, सामने जाने के लिए रेड है लेकिन हम यू टर्न मार सकते हैं यहाँ से। हाँ, आराम से फुल काटना है, फुर्ती से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कटी रहने दो, सीधी करो, जाने दो, बढ़ाओ रेस करो। ओ वेरी गुड, जबरदस्त दोस्तों, देखा ऋषि जी ने एक ही झटके में कार को एकदम कॉन्फिडेंट के साथ यू टर्न कर दिया। कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यू टर्न के टाइम आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से 20 के आसपास ही रहनी चाहिए, और गियर आपका फर्स्ट या सेकंड, अगर फर्स्ट गियर है तो आप फुल क्लच को रिलीज कर दें, अगर सेकंड गियर है तो आपको वहां पे हाफ क्लच लेके रखना है टर्निंग के टाइम, ताकि अगर हाफ क्लच लेंगे तो आपका जो गियर है वो इंजन से कनेक्ट रहेगा, अगर आप फुल क्लच ले लेते हैं तो गियर का कनेक्शन इंजन से हट जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी खड़ी हो सकती है। जब आप सेकंड गियर में हैं, यू टर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हाफ क्लच को दबा के रखें ताकि इंजन पूरी ताकत अपनी ना लगा सके, और अगर आप फर्स्ट गियर में हैं तो आप फुल क्लच को रिलीज करके यू टर्न कर सकते हैं। यू टर्न करने से पहले राइट का सिग्नल देना है आपको, 100 मीटर पहले बिफोर हॉर्न बजाना है, ताकि आगे से और पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो अलर्ट हो जाएं, उनको ये पता चल जाए। और सिग्नल देने के बाद भी हमको बहुत सारा ध्यान रखना होता है कि किसी तरफ से कोई आ ना जाए, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।